एवरीवन, वेलकम। मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्रिल। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए और लेटेस्ट गपशप के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जिनका आज है जन्मदिन और वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, यहीं नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी के बारे में। अनिल अंबानी आज अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनिल अंबानी की शादी वैसे 1991 में एक्ट्रेस टीना मुनीम से हुई थी। अनिल अंबानी का परिवार वैसे इस रिश्ते के खिलाफ भी था, इसलिए प्यार होने के बावजूद अनिल ने टीना से ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि अनिल ने जैसे तैसे अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए राजी किया और अब अनिल और टीना के दो बेटे भी हैं। बड़े बेटे का नाम है जय अनमोल अंबानी और छोटे बेटे का नाम जय अंशुल अंबानी। अनिल अंबानी को भाई कौन नहीं जानता, लेकिन उनके बेटों के बारे में शायद ही आपको पता हो, इसलिए आज अनिल अंबानी के जन्मदिन पर हम उनके बड़े बेटे यानी कि जय अनमोल अंबानी की बात करने जा रहे हैं और उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इतनी अमीर फैमिली से होने के बावजूद अनमोल मीडिया में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, शायद यही वजह है कि उन्हें कोई नहीं जानता। अनमोल को वैसे साधारण जिंदगी जीना बहुत पसंद है और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ ही गुजारते हैं। अनिल अंबानी भी मीडिया फ्रेंडली नहीं है, जबकि उनके भाई मुकेश अंबानी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे ईशा, आनंद और आकाश बाहर निकलते ही सारी लाइमलाइट अपनी ओर खींच लेते हैं, वहीं अनिल अंबानी और उनके बच्चे मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं। अनमोल का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जॉन कॉनन स्कूल से की, इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए यूके चले गए। अनमोल ने वॉरविक बिजनेस स्कूल से बीएससी भी किया है। साइंस की पढ़ाई मुकम्मल करने के साथ साथ अनमोल का इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में भी रहा। 18 साल की उम्र में ही अनमोल ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनमोल ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में 2 महीने तक इंटर्नशिप भी की। अनिल अंबानी ने ही अपने बड़े बेटे को ट्रेन किया था। उन्होंने अनमोल को बताया कि रिलायंस कंपनी में कैसे काम किया जाता है और वहाँ का वर्क कल्चर क्या है। अपने पिता की सीख से ही अनमोल ने जापान की बड़ी कंपनी निपोन को रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया था, जो अब रिलायंस निपोन लाइफ इंश्योरेंस के नाम से चल रही है। बात करते हैं साल 2017 की, तो साल 2017 की एनुअल जनरल मीटिंग में जय अनमोल को रिलायंस कैपिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। तब जय ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच दी थी और अनमोल के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करते हैं और अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। अनमोल काफ़ी शर्मीले भी हैं, इसलिए कैमरे के सामने आने से बचते हैं। अनमोल अपने दादा धीरू भाई अंबानी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अनमोल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी किसी से बातें नहीं करते। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनमोल को खाना खाना बहुत पसंद है और शराब सिगरेट जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। खबरों की माने तो अनमोल को खाना खाना बहुत पसंद है और वो शराब सिगरेट जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।